हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी का, और यहाँ पे हम अभी डेली एनालिसिस नहीं करेंगे, वीकली एनालिसिस करेंगे कि पूरे वीक के दौरान आपको मार्केट में क्या सिचुएशन देखने को मिल सकती है। जैसे कि हमने देखा इस वीक और पहले वीक भी मार्केट काफ़ी गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 वीक का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है। हर एक कैंडल एक पूरे वीक को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उस हिसाब से देखेंगे मार्केट में काफी गिरावट आ रही है। और हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया भी था, जो हमें सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है वो 32,000 पे सपोर्ट देखने को मिलेगा अगर मार्केट में ये गिरावट बरकरार रही, क्योंकि उससे पहले भी मार्केट इसी जोन में एक बार सपोर्ट लेके ऊपर जा चुका। अब वहीं आप अप्रैल की बात करेंगे, ये जो अप्रैल के दौरान भी आपको यहाँ पे सपोर्ट भी दिखाई देगा, इवन ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस भी दिखाई देगा, फिर ब्रेकआउट देने के बाद फिर से आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। उससे पहले जाइए, अगर हम 2020 में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको तब भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। उससे पीछे जाइए, 2020 की शुरुआत में जाएंगे तब भी आप यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। 19 में जाएंगे, रेजिस्टेंस भी आपको दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट मिलने के बाद आपको यहाँ पे सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। यानी कि 32,000 का जो लेवल होने वाला है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और ये हमने आपके साथ डिस्कस भी किया है। जैसे ही मार्केट इसके अराउंड जाएगा तो आपको बड़ी ही ज्यादा सावधानी के साथ मार्केट में अपनी पोजीशन बनानी है, क्योंकि आपको रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। अब जो यहाँ पे दूसरी कंडीशन है, अगर आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला उस सिचुएशन पे, आपको यहाँ पे और बड़ी गिरावट भी मार्केट में देखने को मिल सकती है। अगर आपको 32,000 के लेवल का ब्रेकडाउन मिला उस सिचुएशन पे, नीचे के क्या लेवल रहेंगे मैं आपके साथ आगे डिस्कस कर दूंगा अगर ब्रेकडाउन मिलता है। पर लेकिन पहले आप इसे एज ए सपोर्ट लेके चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लिए रोल प्ले करेगा। इस दौरान आपको यहाँ पे एक और ध्यान रखना है, जैसे ही मार्केट इसके नजदीक आएगा आपको वॉल्यूम पे नजर रखनी है। अगर आपको यहाँ पे ना तो बायर्स का वॉल्यूम दिखाई दे रहा, ना ही आपको सेलर्स का वॉल्यूम दिखाई दे रहा, तो आपको मार्केट में ट्रेडिंग करने को अवॉइड करना है। मार्केट में किसी भी तरह की कोई पोजीशन नहीं लेनी, क्योंकि किधर का भी वॉल्यूम आ सकता है और कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। अगर आपको इसके दौरान बायर्स का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, सेलर्स का कोई खास वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा, बायर्स यहाँ पे ज्यादा हावी होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि प्राइस ऊपर सस्टेन होने देना, आपको एक प्रॉपर फ्लो में मार्केट को जाने देना है। अगर आपको यहाँ पे सेलर हावी होते हुए दिखाई देंगे तो आपको समझना है कि 32,000 का आपको ब्रेकडाउन मिल चुका उस सिचुएशन पे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भी चीजों पे देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो हम डिस्कशन कर लेते हैं, ये प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कर लेते हैं। टाइम फ्रेम आप देखेंगे 1 डे का हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है। अब जो हम पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम दिखता है किसी भी सिचुएशन में, वो गैप अप ओपनिंग हो सकती है या फिर कोई भी सिचुएशन हो सकती है, अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखा तो 34,000 पे हमारा पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यहां पे आप देखेंगे। और जो ये 34,000 का लेवल है, ये हमने आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया है, क्योंकि ये पहले हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था। मैं अभी आपको दिखाऊंगा सारी चीजें, और मैंने आपको समझाया हुआ है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है, उसका ब्रेकडाउन मिलता है, तो वो रेजिस्टेंस में बदल जाता है। जितना मजबूत वो सपोर्ट रहेगा, उतना ही मजबूत वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। तो ये क्या रहेगा हमारे लिए, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। अब सपोर्ट की तरह अगर आप मार्च में जाएंगे, तो मार्च में हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला था। हालांकि मार्च में मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन भी दिया था, और मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता हुआ नजर आया था, लेकिन फिर से हमें सपोर्ट देखने को मिला था। अगर मई में देखेंगे, मई में भी हम सपोर्ट देख चुके। दिसंबर में जाइए, दिसंबर में भी हम यहाँ पे सपोर्ट देख चुके। आप जुलाई में जाइए, जुलाई में भी हम यहाँ पे सपोर्ट देख चुके। जून में जाइए, जून में भी हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला है, और उससे पहले आप देखेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस भी देखने को मिला है। तो यानी कि 34,000 का जो लेवल है, ये पहले से ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी इस पे नजर होनी चाहिए, एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, उसके बाद जो प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, वो 35,000 के अराउंड नजर आ रहा है। आप यहां पे देखेंगे, अगर इसी महीने की बात करें, मई में भी हम यहां पे रेजिस्टेंस देख चुके इसी जोन में। एग्जैक्ट 35,000 पे तो नहीं, लेकिन इसी जोन में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देख चुके, इवन सपोर्ट भी देख चुके। आप मार्च की बात करेंगे, मार्च में आपको यहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों दिखाई दे रहे हैं।
फरवरी में देखेंगे आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। जनवरी में जाएंगे तो जनवरी से पहले भी दिसंबर के लास्ट वीक में आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगस्त में जाइए, अगस्त में आपको अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। जुलाई में जाइए, जुलाई में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, इवन सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। जून में जाइए तो जून में आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों देखने को मिल रहे हैं। अब एक नजर हम और डाल लेते हैं, अगर मार्केट में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला है, ये नेगेटिव मोमेंटम बरकरार रहा मार्केट में, उस सिचुएशन पे अगर आप देखेंगे, उस सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 33,000 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे एग्जैक्ट सेम जोन तो नहीं है, लेकिन मई में फिर से मार्केट इसी जोन में है, तो एक सपोर्ट लेवल भी आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही सपोर्ट हमें मार्च में भी देखने को मिला था कि मार्च में मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देख चुका। उससे पहले भी आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं, हमने इतना पीछे का डिस्कशन नहीं किया है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 32,000 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्च में जो मार्केट में गिरावट आई थी, इसी जोन में मार्केट ने सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था मार्च ने। तो ये तो डिस्कशन होगा प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब एक नजर हम पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं, पिवट पॉइंट के हिसाब से कहाँ कहाँ पे हमें सिचुएशन दिखाई दे रही है। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 33,535 पे आपको दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना है यहाँ पे वन डे का टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट कर रखा है, यानी कि हम यहाँ पे पूरे वीक का डिस्कशन कर रहे हैं कि पूरे वीक में कहाँ पे सपोर्ट बन सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन सकता है, उन चीजों का डिस्कशन कर रहे हैं, न कि डेली एनालिसिस। डेली एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है सैटरडे संडे ऑफ है, तो इस दौरान आपको डेली एनालिसिस की वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी कि मंडे को क्या होने वाला है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 34,785 का। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 35,544 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 32,432 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 31,623 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 31,034 पे आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वेबसाइट को विजिट नहीं किया, वेबसाइट को विजिट कीजिए। यहाँ पे हम आपको कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि जिसके हम 12 एपिसोड आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। यहाँ पे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये 12वां एपिसोड था बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। यहाँ पे हमने आपको सारी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे कि आप सारी चीजों को समझ सकें कि ट्रेड सेटअप किस तरीके से होना है। आपको एग्जांपल दिए गए हैं कि चार्ट में पैटर्न्स आपको किस तरीके से दिखाई दे सकते हैं, आप इन्हें आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे वीडियो भी प्लेस की गई है। अगर आप इन टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप वीडियो प्ले करके इन टॉपिक्स को डिटेल में समझ सकते हैं और सारी चीजों को बारीकी से समझ सकते हैं। तो जल्दी से वेबसाइट पे जाइए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। यहाँ पे हम आपको और भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराते रहते हैं, जैसे इंडिकेटर एक्सप्लेन, इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड, प्राइस एक्शन से रिलेटेड, स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड। फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे, इनके हम आपको सारे एपिसोड प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। और इसी तरीके से अगर आप कंटेंट की नॉलेज लेना चाहते हैं तो अभी विजिट कीजिए वेबसाइट पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू।